दोस्तों, अभी तक अगर आप किसी भोजपुरी के बड़े स्टार या कलाकार से कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, इसका सुधार कैसे किया जाए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो कलाकार कहते हैं कि हमारे भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, आपका देखने का नजरिया गलत है, आप अपने नजर को सही करिए। लेकिन आज ऐसा ही एक सवाल किसी यूट्यूबर ने नहीं, किसी सोशल एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पत्रकार जाने माने रवीश कुमार ने उठाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुछ दिनों पहले NDTV से जुड़ के पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार की। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल में उन्हें लोग बेरोजगार कह रहे हैं। उन्होंने यह बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि भोजपुरी के अश्लील गानों की वजह से कहीं ना कहीं भोजपुरी की छवि खराब होती है, भोजपुरी की अस्मिता पर आंच आती है। उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है और अब प्रश्न यह उठता है कि जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार कहते हैं कि भोजपुरी में हमारा अश्लीलता नहीं है, आप लोगों के देखने का तरीका गलत है, क्या अब वह रवीश कुमार के इस बात पे कुछ बोलेंगे या फिर उनको सांप सूंघ जाएगा। रवीश कुमार का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर इस समय बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लिखते हैं, भारत के विकास की बुनियाद में भोजपुरी है, इसलिए भोजपुरी भविष्य की भाषा है। इस भाषा के लोगों ने देश और दुनिया भर में अपने श्रम से पत्थर तोड़े हैं, शहरों को बनाया है, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव किया है, मगर भोजपुरी गानों की अश्लीलता की वजह से, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं, मगर भोजपुरी गानों की अश्लीलता की वजह से भोजपुरी समाज की हर कामयाबी फीकी पड़ जाती है। राजनीति और फिल्मों ने भी भोजपुरी को कम तर भाषा के रूप में पेश किया है। हम केवल गमछा नहीं डालते बल्कि सूट और टाई भी पहनकर न्यूयॉर्क में ठाट से घूमते हैं। हमारी सोच है कि अब इस भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, भोजपुरी संविधान की 8वीं सूची में शामिल हो, लेकिन इसी से भोजपुरी की समस्या खत्म नहीं हो जाती। जब तक भोजपुरी में सूचनाएं उपलब्ध नहीं होंगी, ज्ञान की रचना नहीं होगी, भोजपुरी को उसका सम्मान ही मिलेगा। भोजपुरी इलाके में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल 3rd क्लास बनाए गए हैं ताकि लोग तरक्की ना करें। हम सीमित क्षमता के हिसाब से मातृभाषा भोजपुरी के लिए श्रम करना चाहता हूं। इस भाषा ने श्रम करने का साहस ही तो दिया है। भोजपुरी में YouTube चैनल लॉन्च कर रहा हूं, इसका नाम है बिहान। बिहान का मतलब होता है सवेरा। यह पोस्ट बहुत ही तेजी से रवीश कुमार का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन अब प्रश्न, जैसा कि मैंने बोला, उठता यह है कि जब कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई यूट्यूबर या फिर कोई नया पत्रकार जब भोजपुरी के बड़े स्टारों से अश्लीलता के बारे में प्रश्न करता है, तो वो साफ साफ कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब क्या रवीश कुमार के इस पोस्ट के बारे में वो कलाकार खुल के सामने आएंगे और अपनी बात को रखेंगे या फिर चुप्पी साधेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप भी मानते हैं, जैसे रवीश कुमार मानते हैं, कि कहीं ना कहीं भोजपुरी के गानों की वजह से भोजपुरी की मान सम्मान में खतरा है और कहीं ना कहीं भोजपुरी से इसीलिए लोग चिढ़ते हैं? प्लीज कमेंट जरूर करें, क्या है आपकी राय।